सुप्रभात बच्चों, आपका फिर से स्वागत है जागरूक नागरिक कार्यक्रम प्रोग्राम में। इस सेशन में हम उत्कृष्टता की खोज कैसे करेंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम देखेंगे और इसको हम जागरूक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो सेशन 6 कक्षा 7 और विषय है उत्कृष्टता की खोज करना। हम आज चौथी सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे। उत्कृष्टता की खोज करना ये हमारा चौथा सार्वभौमिक संभावना है। इस स्लाइड में बच्चों एक इमेज है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ही आँख दिख रहा है और बीच में पीले कलर की गोल आकृति है। तो बच्चों ये एक हमारे पास तो दो आँखें हैं, लेकिन इसमें एक आँखें क्यों दिख रही हैं? तो बच्चों ये एक आँखें हमें इसलिए दिख रही है कि हम अगर किसी काम को करते हैं तो अगर कुछ हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो हम एक आँख से एक आँख बंद करके एक आँख खोल के जब देखते हैं तो हमें वो अच्छे से दिखता है, पूरा ध्यान केंद्रित होता है उसी पर। उसी तरह से हमें भी पूरे ध्यान केंद्रित करके अच्छे से देखकर अपने काम में को परफेक्शन कैसे लाएंगे ये बता रहा है। यहाँ पे एक और इमेज बनी हुई है जिसमें एक व्यक्ति है जिसके चारों तरफ ये सर्किल सर्किल बना हुआ है। एक सबसे बिग सर्किल है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, इसमें फिर छोटे छोटे सर्किल है और ये हमारा ये बता रहा है कि उत्कृष्टता की खोज कैसे करेंगे, ये हमारी चौथी सार्वभौमिक संभावना है। इकाई यूनिट 1, लोग किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उत्कृष्टता की खोज करते हैं, हम कुछ उदाहरण के द्वारा उसको देखेंगे और उसको देखकर समझेंगे और इस तरह से हम भी अपने दैनिक जीवन में एक एक काम में परफेक्शन हम कैसे लाएंगे इसको हम समझेंगे। तो अन्वेषण 1A, इस अन्वेषण में हम जॉन से मिलते हैं। जॉन जो भी उत्पाद चीज बनाता है उसमें उत्कृष्टता की खोज करता है। जॉन अपने प्रोजेक्ट के लिए आदर्श मॉडल बनाना चाहता है। कॉलेज के लिए एक मॉडल बनाते समय जॉन उत्कृष्टता को सही माप से बने हुए मॉडल के रूप में देखता है। एक पूरी तरह से संतुलित मॉडल बनाने के लिए वह हर छोटी बारीकियों पर ध्यान देता है। यदि मैं इसे 0.5 mm खिसकाता हूँ तो इसका संतुलन एकदम सही हो जाएगा। वाह, जॉन ने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है। जॉन आदर्श गृह कार्य करना चाहता है। इस भाग को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, संदेश अब भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। ये गृह कार्य जो है वो कॉलेज में एक अनुसंधान कार्य को करते समय वो दो रिपोर्ट बना रहा है, उसमें वो अच्छी तरह से बना रहा है कि उसमें कोई भी भूल चूक नहीं हो। हम आगे इस तरह से अगर हम कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो उसमें हम परफेक्शन ला सकते हैं। अपने द्वारा बनाए गए किसी भी एक उत्पाद में कैसे हम परफेक्शन लाएंगे इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो जैसे हमारा गृह कार्य मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क मिलता है या कुछ भी मिलता है तो उसमें हम कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये बच्चा, एक छोटा बच्चा गृह कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये कलर आर्ट का काम कर रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ये शिल्प नाव बना रहा है, बढ़ाई गिरी का काम, रेत का मॉडल, रंगोली, खाना पकाना, कढ़ाई करना इत्यादि। अतः मैं भी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कैसे करेंगे हम? तो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में परफेक्शन लाकर। आगे हम जेबा से मिलते हैं। जेबा अपने किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में उत्कृष्टता की खोज करती है। जेबा विज्ञान के प्रयोग के दौरान अपनी प्रक्रिया या विधि में उत्कृष्टता की खोज करती है। विज्ञान के प्रयोग को करते समय जेबा शिक्षक द्वारा बताए गए हर प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करती है जिससे कोई प्रक्रिया छूट ना जाए।
और जब जेवा के घर में गेस्ट आते हैं तो भी वह अपनी काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करती है कि जेवा को एक कार्यक्रम में अतिथियों का ध्यान रखना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने कार्यों की वह एक सूची बनाती है और वह योजनाबद्ध तरीके से उसको पूरा करती है। इसलिए हमको किसी भी काम अगर हम करते हैं उसमें परफेक्शन लाना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करके तब हम उस काम को करेंगे अच्छे से, तो हमारा काम सफलतापूर्वक और परफेक्शन के साथ कंप्लीट होगा। तो जेवा के जीवन में दो उदाहरण अभी हम देखे हैं जिसमें उसने विधिपूर्वक और सतर्कतापूर्वक कार्य किया। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें जेवा की तरह आपको भी विधिपूर्वक कार्य करना पड़ सकता है, और विधिपूर्वक कार्य करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और उसको समझेंगे। तो हम उत्कृष्टता की संभावना को कैसे कर सकते हैं जागृत, तो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में और अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में। हम आगे दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि मिहिर से मिलते हैं। मिहिर लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में उत्कृष्टता की खोज करता है। अपने ग्राहकों से बातचीत करने में उत्कृष्टता की खोज वो कैसे करता है, जिस दुकान पे वह कार्य करता है मिहिर प्रत्येक ग्राहक पे पूरा ध्यान देता है। मैडम शायद आपको यह अधिक पसंद आए, क्या मैं आपको कुछ और नई डिजाइन दिखाऊँ, तो इस तरह से वो अपने काम में परफेक्शन लाता है। और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में भी वह परफेक्शन लाता है कि मिहिर घर पर आने वाले रिश्तेदारों के आराम का ध्यान रखता है और वो उसको बार बार पूछता है चाय चाहिए या फिर कुछ भी चीज़ चाहिए, तो उसको उनको वो आराम देता है। वो दूसरे एग्जांपल में हम गौतम से मिलते हैं। गौतम मिहिर के एकदम अपोजिट है। वो बस अपने हर काम को बस कर देने वाला रवैया अपनाए हुए हैं। गौतम जब ग्राहकों के साथ मिलता है तो वह दिलचस्पी नहीं दिखाता है ग्राहकों के प्रति, और वो चाहता है कि शीघ्रता से कोई जल्दी से जल्दी कस्टमर जो है अपना डिसीजन करे और उसको खरीद ले। गौतम के घर जब रिश्तेदार आते हैं तो वो पूछते हैं कैसे हो गौतम, तो गौतम उनसे अच्छे से बात नहीं करता। वह अपने मेहमानों के प्रति विनम्र होने एवं उनका ध्यान रखने की चेष्टा भी नहीं करता। तो बच्चों आप कैसा मित्र चाहोगे, मिहिर जैसा या गौतम के जैसा? तो डेफिनेटली आप गौतम के जैसा, आप मिहिर के जैसा ही चाहोगे, गौतम के जैसा नहीं चाहोगे। सॉरी, आप मिहिर के जैसा चाहोगे, गौतम के जैसा नहीं चाहोगे, क्योंकि मिहिर अपने मेहमानों के प्रति विनम्र रहता है और अपने काम के प्रति भी परफेक्शन लाता है। तो बच्चों आप भी मिहिर के जैसा दोस्त चाहोगे, गौतम के जैसा नहीं चाहोगे। मिहिर की तरह हमें भी लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में परफेक्शन की खोज करना चाहिए। जैसे शिक्षकों के साथ, विद्यालय के दूसरे कर्मचारियों के साथ, जैसे हमारे चौकीदार हैं, हमारे स्कूल में रेवती दीदी हैं, बापी भैया हैं, परिवारों के साथ, मित्रों के साथ, प्रत्येक का एक ठोस उदाहरण हम देंगे और उस पर हम अपने कॉपी में लिख के उसको हम समझेंगे। तो इस तरह से हम भी उत्कृष्टता की खोज करने की संभावना को जागृत करेंगे। कैसे करेंगे? अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में, अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में, लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम उमा से मिलते हैं। उमा एक माँ के रूप में अपनी भूमिका में परफेक्शन की खोज करती है। वह अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। वह सुनिश्चित करती है कि उन्हें पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन समय पर मिले, उनके कपड़े और किताबें अच्छी अवस्था में हो आदि। वह अपने घर को अच्छे से रखने में गौरव का अनुभव करती है। उसके परिवार वालों को मालूम है कि वे किसी भी समस्या के समय उमा के पास जा सकते हैं। तो अगर उमा के तरह आप भी जिस भी भूमिका में हो तो उसमें परफेक्शन लाने का प्रयत्न करेंगे। अब आप ये सोचो कि आप प्रेजेंट में कौन सी भूमिकाएं निभा रहे हो। तो जैसे हम, जैसे भाई बहन है या बेटा बेटी है
मित्र है, छात्र है, कक्षा मॉनिटर है, स्कूल कैप्टन है, इसमें से कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जब कक्षा में मॉनिटर बनाए जाते हैं तो वो अपनी भूमिका को एकदम परफेक्शन के साथ लाने की कोशिश करते हैं। जब वो एक छात्र है या फिर वो घर में अभी तुम लोग बेटा या बेटी हो, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि हम इसको अच्छे से निभाने की, जैसे उमा ने निभाया है उसी तरह से हम भी उसको करें। तो बच्चों, हम उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावना को कैसे हम जागृत कर सकते हैं? तो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में, अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में, लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में, अपनी भूमिकाओं, इन सब के थ्रू हम अपने काम में उत्कृष्टता की खोज कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे, आगे के यूनिट में ये देखेंगे कि उत्कृष्टता की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आप लोगों के मन में ये दुविधाएं होंगी कि हम उत्कृष्टता की खोज क्यों करेंगे, इससे क्या होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो हम ये जानेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हमें आगे बढ़ने में। तो इकाई यूनिट 2, उत्कृष्टता की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। जीतू और पूरन अपने गणित का कार्य बना रहे हैं। सवाल बड़ा लंबा एवं कठिन है। जीतू जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करता और पूरन जो उत्कृष्टता की खोज करता है। जीतू बोलता है, इतने लंबे सवाल को हल करना बड़ा कठिन है, कल सुबह मैं अपने मित्र से गृह कार्य उतार लूँगा। पूरन कह रहा है, मुझे इस सवाल को हल करने के लिए शिक्षक के पढ़ाए हुए स्टेप वाले तरीके का पालन करना चाहिए, यदि मैं एक भी स्टेप छोड़ता हूँ तो गलती हो सकती है। इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा जीतू के गणित करने के उसके आत्मविश्वास पे और कठिन सवाल हल करने के आत्मसंतोष पे। तो जीतू ने परफेक्शन नहीं लाया तो जब वो अपना गृह कार्य जमा करवा देगा किंतु वह गणित नहीं सीख पाएगा और गणित के सवालों को हल करने का आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर भी खो देगा और आगे चल के उसे गणित के सवाल बहुत कठिन लगेंगे और उसे कोई संतुष्टि या उपलब्धि का भी अनुभव नहीं होगा। लेकिन इसके अपोजिट वहीं पूरन जब इसको कठिन सवालों के माध्यम से जब वो इस काम को करने के तरीकों को सीख जाएगा तो उसके आगे जो भी वो गणित के कठिन प्रश्न को हल करेंगे तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उसे एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा कि वो सेटिस्फाइड होगा कि मैंने अपने कुछ मैंने सीखा है, अपने काम में परफेक्शन लाया लेकिन मैंने कुछ सीखा। दूसरे एग्जाम्पल में हम विन्नी को देखते हैं। विन्नी की माँ ने उसका कमरा साफ करने के लिए कहा है। विन्नी का दो रिएक्शन हो सकता है, एक रिएक्शन होगा जो अपने काम में परफेक्शन नहीं लाएगी, दूसरा है क्या, वो अपने काम में परफेक्शन लाएगी। तो जब वो अपने काम में परफेक्शन नहीं लाती है तो उसे वह काम बहुत उबाऊ लगेगा, वो अच्छे से कमरे को साफ नहीं करेगी, अलमारी में और पलंग के नीचे ठूस ठूस कर कपड़े को ठूस देगी और तब लगेगा क्या उसे कमरा साफ दिखेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर विन्नी कमरे को साफ और व्यवस्थित रहने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन चीज़ों को खोजना कितना भी आसान हो जाता है। तो हम बात करते हैं विन्नी का जो पहला रिएक्शन उस पर देखते हैं कि कमरे की सफाई पर क्या असर पड़ेगा। कमरे की सफाई पर असर पड़ेगा, अब जो दोबारा कुछ चीज़ वो ढूंढने जाएगी तो उसे वो नहीं मिलेगी माँ की सोच पे और उसकी आत्मसंतुष्टि पे, कि कमरा तो साफ दिखेगा किंतु वास्तविकता में साफ नहीं होगा। माँ उससे परेशान हो जाएगी और विन्नी हर समय चिड़चिड़ी रहेगी क्योंकि उसे लगता है उसे यह कार्य जबरदस्ती करवाया जा रहा है, अतः उसे कोई संतोष का अनुभव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ विन्नी की प्रतिक्रिया होगी कि कमरा वास्तव में साफ सुथरा होगा, चीज़ें भी और सुलभ हो जाएगी, माँ उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और विन्नी को अच्छा कार्य करने का संतोष होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं प्रिया और प्रीति कक्षा मॉनिटर है। जब शिक्षक कक्षा में नहीं होते हैं तो वे दोनों कक्षा का ध्यान रखती हैं। प्रिया जो कि परफेक्शन नहीं लाने की कोशिश करती है और प्रीति जो कि परफेक्शन की खोज करती है। प्रिया को सोच है कि प्रिया के प्रति उसके सहपाठियों के आदर पर अच्छा रीडर बनने की उसकी
क्षमता पे क्या असर पड़ेगा। तो छात्र प्रिय के भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज रहेंगे, वह मॉनिटर के रूप में उसका अनादर करेंगे, वह एक अच्छा लीडर बनने का अवसर को खो देगी। दूसरी तरफ प्रीति, छात्र उसका प्रीति का आदर करेंगे, वह मॉनिटर के रूप में सही कार्य करने के लिए उस पर विश्वास करेंगे, वह अच्छा लीडर बनने के लिए अपने आत्मविश्वास व क्षमता का विकास करेंगी। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों में से कौन प्रिया बनना पसंद कर रहा है और कौन प्रीति बनना पसंद कर रहा है। इकाई यूनिट 3, हम लोगों ने पहले देखा कि हम परफेक्शन का, उत्कृष्टता का खोज कैसे करते हैं। दूसरे यूनिट में हमने देखा कि खोज करना क्यों महत्वपूर्ण है। अब इस यूनिट में हम देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों से मिलते हैं जो कि उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में उत्कृष्टता की खोज हम कैसे करेंगे। स्टीव जॉब्स, तकनीकी दूरदर्शी जिनकी टीम ने आईपैड, आईफोन जैसे उपकरण बनाए। जॉब्स उपकरण के अंदर छिपे हुए भाग जो दिखाई नहीं देते उनके रूप की ओर भी ध्यान देते हैं। स्टीव जॉब्स के जीवनीकार वॉल्टर आइसन कहते हैं, स्टीव जॉब्स अपने आईपॉड प्रोडक्ट डिजाइनर्स के साथ। बच्चों, आप सभी लोग स्टीव जॉब्स को जानते होंगे, अगर जो नहीं जानेंगे तो वो गूगल में सर्च करके आप लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे कि वो कौन है और वो अपने काम में कितना परफेक्शन वो लेकर आते हैं। हम अतुल गावंडे को जान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि एक सर्जन है। उनका कहना है कि एक सफल सर्जरी के लिए 100 छोटे सही कदमों की आवश्यकता होती है, एक के बाद एक कदम बिना कोई कदम छूटे। सर्जरी के दौरान उनकी पूर्ण सतर्कता व सूक्ष्म दृष्टिकोण से जो भी मरीज बच सकता है वह सुनिश्चित रूप से बच सकता है। उन्होंने 2008 में 8 अस्पतालों में चेकलिस्ट विधि की शुरुआत की। इससे शल्य चिकित्सा संबंधी जटिलताओं में 36% गिरावट आई एवं मृत्यु की संख्या में 47% कमी आई। तो शल्य चिकित्सा के लिए कई सदस्य साथ मिलकर काम करते हैं, चेकलिस्ट विधि से गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप भी इनके बारे में, ये एक इनका थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनके बारे में थोड़ा सा, आप अगर इनके बारे में और ज़्यादा जानने की चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करके इनके बारे में जानेंगे। इस स्लाइड में बच्चों एक हम देख रहे हैं जीजाबाई को। जीजाबाई को आप लोग नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ये महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की माताजी हैं। माँ के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्टता की खोज ये कैसे करती हैं इनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। कि हम सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने किस बहादुरी से मुगलों से युद्ध करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके बचपन से ही उनकी माँ जीजाबाई ने शिवाजी को प्रेरित किया और उनमें स्वतंत्र मराठा साम्राज्य बनने का स्वप्न देखने का आंतरिक विश्वास जगाया। मुगलों और सुल्तानों से लड़ते हुए वीर शिवाजी ने 1674 में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित किया। तो बच्चों, शिवाजी किनसे प्रेरित होकर इतना आगे बढ़े, तो उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है। बच्चों, इस स्लाइड में हम देखेंगे कौन है, तो ये हमारे श्री राम जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे और अपने इस क्लास 6 में एक रामायण है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके बारे में, कि श्री राम जी ने कैसे बेटा व राजा की भूमिका में कैसे परफेक्शन की खोज की। तो रामायण में हम श्री राम के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से हम देखते हैं कि वे अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्टता की खोज कैसे कर रहे हैं, बेटे के रूप में और राजा के रूप में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पिता राजा दशरथ का वजन न टूटे, राजकुमार राम ने स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास किया था और राजा के रूप में जब श्री राम राजा बने तो पूरा साम्राज्य शांति से व न्याय से समृद्ध था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन जा रहे वनवास के लिए, और यहाँ पे
हमें देख रहे हैं कि उनका पूरा साम्राज्य है जो शांति से रह रहा है। तो हम अब आगे देखते हैं कि अब हम जो हमारा जो आज का सेशन था उत्कृष्टता की खोज करना, तो इसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं। तो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में परफेक्शन ला के अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में, लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में, अपनी भूमिकाओं में, तो इस तरह से हम अपने काम में परफेक्शन ला सकते हैं। और आप लोग सब लाने की कोशिश करेंगे कि अपनी भूमिकाओं में कैसे, जैसे आप लोग अभी लॉकडाउन हो घर में रह रहे हैं, तो आप अपने अच्छे तरीके से अपने बेटा है या फिर भाई है या फिर बहन है उसकी भूमिकाओं को आप लोग निभाएंगे। आप लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है, उसमें भी एक अच्छे छात्र बन के आप लोगों को क्लास करना है और भूमिकाओं को निभाना है। तो आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।